हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब आदमी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। तो बड़े को पैर छू के प्रणाम, छोटे को बहुत सारा प्यार। आज की वीडियो में सुबह सुबह स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हम खाना बना चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं विजय भी स्कूल जा चुका है, चावल बनाई हूँ। यहाँ पर बचा हुआ रात की सब्जी भी है, अभी मैं बना रही। देखिए यहाँ पर धनिया और आलू, हरा मिर्ची और लहसुन के चटनी। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग रात में आए थे, बहुत आदमी अच्छा बुरा सब कमेंट कर रहे। एक तो मैं खुद में परेशान में हूँ, आप लोग ऐसे मत कमेंट कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। अभी हम थोड़ा सा चटनी बना लेती हूँ, उसके बाद हम लोग खाएंगे खाना। देख सकते हैं विकास नहा लिया है, आकाश विकास बोल रही हूँ, विकास नहा आकाश नहा लिया है। अना कितना सुंदर पाउडर लगा लिया, कितना अच्छा सुशील संस्कारी लग रहा है मेरे बेटे। बाकी रात भर खांसता है, बीजे भी। तो आप लोग बोलो डॉक्टर से दिखाइए, डॉक्टर से दोनों को लेके जा रही हूँ। अभी अभी बर्तन थोड़ा सा धोना है, बर्तन धो के इसको भी और विकास बीजे के भी लेके जाऊँगी। अभी स्कूल से आया है बीजे ना, तभी तो सोया है। बोले मम्मी कपार में दर्द हो रहा है। कल थायो गई थी ना, तो वहीं से दवा करा के दवा खिलाई थी उसको, बीजे को, मगर सही हो गया था। बुखार आ गया था, आँख पूरा लाल लाल हो गया था। तो वहीं पे मेडिकल से दवा ले ली मैं, लेके इनको खिला दी थी। रात में लेके आए थे 10-11 बजे, हम लोग 10 बजे रात में घर पर पहुँचे थे। तब तक लकाश और विकास सो गए थे, फिर जगा के खिलाए थे लकाश। आकाश बोले मम्मी मेरे को एथी लेते हैं ना कुछ बेटा, क्या मान लो पेड़ा। अब विजय मांगा छोला समोसा विकास, तो हम छोला समोसा लेके आए तो दोनों सूख गया था, अच्छा नहीं लग रहा था, सूखा था सूखा। उसके बाद कैसे कैसे थोड़ा थोड़ा खा लिए ये लोग, और बचा था तो सुबह खा गए हैं। पूड़ी मिला था मेरे में घर से, विजय के पास सब्जी और चावल बनाए थे वो मिला के खा लिए। अब वही सब्जी बचा था सुबह चावल बनाई थी तो हम लोग खा लिए हैं, और आलू के चोखा। तो अभी चलती हूँ बर्तन धो के इनको लेके जाती हूँ डॉक्टर के पास। कुछ तभी सारी काम कर चुके हैं, अभी लेके चलती हूँ दोनों भाई के। विजय भी स्कूल से आ चुका है, आकाश भी नहा लिया है। अभी चलिए हम लोग मार्केट चलते हैं ना। हम मिथुन बाबू के पहुँच चुके हैं, विजय भी आकाश भी। कहीं मिथुन बाबू चल रहे हैं मार्केट मतलब, तो हम भी जा रहे हैं वैसी गाड़ी से। काजल भी जा रही है, मानसी को कुछ किनना है, मानसी तो यहीं पर रुक गई है। चलिए मार्केट चलते हैं इनको दावा लाने के लिए। इतने गाड़ी घुमा के लेके आ गए हैं, चलिए अभी गाड़ी बैठते हैं। अभी देखिए कितना खाता, अभी आ गई हूँ डॉक्टर की, चलिए इनको दावा लेते हैं दोनों भाई यहीं पर। आप लोग बोला डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर को दिखाइए, इसको दिखा दिया। देख सकते हैं आगे कैसे जा रहा है, कैसे आके जा रहा है, क्योंकि जो पैसे लगाए थे मार्केट में तो उसमें दर भी ख़त्म हो गए हैं। यहाँ पर उधारे हम ले ली हूँ, दाल और प्याज और मतलब सब्जी है, दवा जितना था उतना दवा को पैसा खांसी के और बुखार के अभी दवा ले रही हूँ। चलिए अभी देखिए भैया मेरे साथ जा रहा है, आकाश कैसे आगे आगे जा रहा है। देख सकते हैं हम लोग कैसे रास्ता पकड़े हैं, एकदम पूरा इधर गेहूँ ना ऐसी क्या बोलते हैं तोड़ा है, ये पूरा फट गया है, फटने के बाद गिर गया, पूरा रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा। देख सकते हैं लगी रोड पर पूरा ऐसे ही हुआ है, साइड साइड से कैसे करते थे हम लोग जा रहे हैं। इधर देख सकते हैं सब कोई इधर तोड़ कर दिए हैं। चलिए अब ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि इधर से रास्ता सही मिल जाएगा, इधर से हम लोग निकल चुके हैं। क्या बेटा आओ नजर आओ, ये बनी पता से पीछे ऐसी काटेगा, आओ देखिए हमारा घर भी यहीं से पास में है। आते ना उधर से तो पूरा उधर घूम के आना पड़ता है, उधर देखिए वहाँ से घूम के इस रोड से आना पड़ता है, ये हमारा रूम है। तो मैं सोची थी चलो मिथुन बाबू के रूम से हेर गई हूँ इधर, यहाँ पास साइड से चल रही हूँ।
चलिए अभी अपने रूम पर पहुँचती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ क्या क्या लेके आई हूँ। जी मैं पहुँच चुकी हूँ अपना खेत पर। अरे उस दिन गिर गया था, सब उठ गए ना बीजी, लेकिन थोड़ा बाल ना छोटा छोटा किया है, देख सकते हैं लगता है थोड़ा सा ज़्यादा घाना हो गया, बाकी उस दिन इधर से उठ गया है, उधर भी नहीं उठाया उस साइड में, इधर थोड़ा सा पानी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये हरा है और बीच में बहुत ज़्यादा थी, वह देख सकते हैं कैसे हो गए हैं। चलिए अभी चलती हूँ रूम पर ना, मोटर देखिए कितना सुंदर फर रहा है, कितना सारा बहुत सारा मोटर फर गया है। चलिए ही हम अभी गुटाया नहीं है, 4-5 दिन में गुटा जाएगा तब तोड़ेंगे। आलू ना सूख गए हैं, इसको 1-2 दिन में हम लोग कोड़ेंगे, आलू ख़त्म होने वाला है सब्ज़ी बनाने के लिए, इसी वजह से आलू नहीं ले पाएंगे, यही ख़त्म हो जाएगा था, कोड़ के बनाऊंगी। आप देखिए सब्ज़ी देखो ना, पंखा किसी से ख़राब हो गया तो वही बना रहा है। तभी देख सकते हैं घर पर पहुँच चुकी हैं, पहले दवा खिलाती हूँ, इधर देखिए दाल दवा जो है दवा लेकर आनी, ये है हरा मिर्ची, एक सूखा मिर्ची, एक और चीज है और दाल है, एक प्याज है। अभी खाना ना बना के इन लोग खाना ना खिला दी हूँ, शाम हो गया है। अभी कास के ना थी आकाश के बहुत से खांसी हो रहा था, तो उसी समय दवा पिला दी थी, अब मैं जा रही हूँ खाना ना खाने के बाद ही उनको दवा पिलाने, ये है बुखार के दर्द का दवा। चलो होटा विजय उठो, आकाश को बोला। अभी देख सकते हैं इन लोग थोड़ा सा ना तेल मालिश कर देती हूँ, सर में खांसी है ना, सर में दर्द है, अब बुखार था तो बुखार का दवा खिलाई हूँ। आकाश मुँह में हाथ पी रहा है, हिल रहा आकाश के ना दाँत ही रहा है, काले भीस खरीद के दी थी, तेल भी खत्म हो गया, छोड़ मत लगा अपने मन अच्छी थी, कलर तो बार हो किसका तो अलग कलर का हो बोले, विकास के भी और आकाश के भी ब्लैक। अभी देख सकते हो किसी ने दिया था मेरे को, जी ये लीजिए गेहूँ है, बहुत अच्छा है, तो इसको थोड़ा सा ना दौरी होता था, कट कट जाता है देख सकते हैं, तो कल मैं इसको धो कर सुखाऊंगी, सुखा काट के सुखाऊंगी, इसमें बहुत सारा टुकड़ा टुकड़ा है क्योंकि आटा ही हमारा ख़त्म हो गया है, आया अभी चावल भी ख़त्म होने वाला है, तो दोनों ख़त्म हो गया है देख सकते हैं, चावल इतने हैं बचे हुआ है और आटा आ इसमें ना मैं रखी हूँ उन्हीं मकई वकई, तो अभी देखिए बीजे और आकाश सो गया है, 6-7 बजे हो ना कि 5-6, अब नहीं टाइम देखी हूँ, अभी अंधेरा हो गया देख सकते हैं, नहीं सोया है, सोने जा रहा, अब सोने जा रहा है, अभी नहीं सोया है, आइए के बल्ब जल रहा है घर में, किचन में के बल्ब भी खराब हो गए हैं, और बाहर के जो आंगन है उसमें के बल्ब खराब हो गए हैं। आकाश जगह विकास मेरे पास बैठा हुआ है, मैं छोड़ दो, तबीयत खराब है, तो चलिए आज की ब्लॉग वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, हम लोग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, हम लोग तब तक ले रहो लो अपन पर ख्याल रखें, हम लोग हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, यहाँ तक ब्लॉग वीडियो देखने के लिए आप लोग का दिल से धन्यवाद।